वीकली मीटिंग में और होम मीटिंग में, क्योंकि मैं अपने लेवल पे होम मीटिंग करता हूं, तो होम मीटिंग में मैं कैसे आपसे बात कर रहा हूं, थोड़ा सा आपके साथ रेफरेंस दूंगा। आप मेरे से ज्यादा समझदार है, मेरे से ज्यादा क्रिएटिव है, आप और अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मैं कैसे कर रहा हूं जिससे मुझे अच्छे रिजल्ट आए पिछले कुछ दिनों में, थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। अब हम प्लान कैसे दिखाएं, जो कि हमारा एक बेसिक क्वेश्चन है इस समय। मैं कोई भी मीटिंग करने से पहले थोड़ा सा अपना परिचय देता हूं, उसके बाद मैं बातचीत शुरू करने से पहले मैं उनको पूछता हूं कि हम आज एक सिस्टम पे बात करने वाले हैं जिसके लिए आपको यहां पर इकट्ठा किया गया है, लेकिन उस सिस्टम पे बात करने से पहले मैं कुछ सवाल आप लोगों से जानना चाह रहा था, तो मैं उनसे कुछ सवालों से पूछता हूं। क्या आप अपने परिवार को बीमारियों से बचाना चाहते हैं? तो अमूमन जवाब ये रहता है, मार्केट में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति किसी ना किसी बीमारियों से ग्रसित है। छोटी मोटी बीमारियां, मैं बड़ी बीमारियों की बात नहीं कर रहा, हर आदमी छोटी मोटी बीमारियों से ग्रसित है। कितनी मिलावट आ रही है, क्या कारण है इन बीमारियों का, हिंदुस्तान में बीमारियां क्यों बढ़ती जा रही है, एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने के लिए लगा देता है, बाद में उन्हीं पैसों को अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए लगा देता है। इस पर थोड़ा बात कीजिए, एक मिनट दो मिनट लंबा नहीं। दूसरा सवाल मैं उससे पूछता हूं कि आप अपने सालाना मेडिकल बिल को जीरो करना चाहते हैं, क्योंकि एक एवरेज आंकड़ा है कि एक व्यक्ति अपनी एनुअल इनकम का 17 से 23% अपनी एनुअल इनकम का 17 से 23% हर साल वो छोटी मोटी बीमारियों पे खर्च कर देता है। वो बीमारियां जैसे सर्दी जुकाम नजला खांसी बुखार कैंसर टीबी और इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर एक व्यक्ति लाख रुपए कमाता है तो 17,000 रुपए से लेकर 23,000 रुपए हर साल वो इन छोटी मोटी बीमारियों पे लगा देता है ना चाहते हुए। तीसरा सवाल उससे पूछिए, क्या आप अपने घरेलू सामान के खर्चों से 20 से 30% बचत करना चाहते हैं? और ये बात सीधी अफेक्ट करती है उसके दिल पे, क्योंकि हम एक ऐसे सामाजिक बैकग्राउंड से आए हैं जहां पर बूंद बूंद करके सागर बनता है, बात थ्योरी हमारे बचपन से हमारे दिमाग में बैठा दी जाती है। तो यहां पर अगर आप 20 से 30% की बात करते हैं तो व्यक्ति अलर्ट होता है आपकी बात सुनने के लिए। ये भूमिका बनाई जा रही है, प्लान नहीं है, प्लान तो वही है बिचौलियों को हटा दो, डायरेक्ट मिला दो, बिचौलियों वाला पैसा आप में बढ़ जाएगा। लेकिन ये बताने से पहले जो भूमिका बनानी है वो इंपॉर्टेंट है, जो उसके माइंड को प्रिपेयर करना है कि वो आपकी बात अगले 30 मिनट 25 मिनट सुने, उसके लिए सवाल काम आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप उससे पूछिए, क्या आप अपने वर्तमान काम को डिस्टर्ब किए बगैर एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं? कोई ऐसा आदमी आप मुझे बता दीजिए जो आज एक्स्ट्रा इनकम नहीं कमाना चाहता, सब कमाना चाहते हैं, रिस्क लेने को तैयार है, लेकिन समस्या क्या है कि वो अपने वर्तमान काम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। लेकिन आपने यहां उसे पूछा है वर्तमान काम को डिस्टर्ब किए बगैर, ये सवाल डालिए। और फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, अब आप उससे पूछिए क्या आप आपकी मेहनत का लाभ अपनी अगली पीढ़ी को देना चाहते हैं? दुनिया में कोई ऐसा धंधा नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहां पर आपके किए गए प्रयासों का फायदा आपके बच्चों को हो। एक डॉक्टर लाखों रुपए कमाना 40 साल का उसके पास अनुभव है, लेकिन जिस दिन उसको कुछ होता है उसकी डिग्री उसका अनुभव और उसकी इनकम उसके साथ जीरो हो जाती है। एक व्यक्ति बहुत बड़ा लॉयर है लेकिन अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसका अनुभव उसकी इनकम उसकी डिग्री उसके साथ जीरो हो जाती है। लेकिन यहां आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे जहां पर आपने अगर कुछ साल काम किया तो वो काम जीरो नहीं होगा, वो काम आपके बाद आपके बच्चों को ऐसे कैसे ट्रांसफर हो जाएगा। और ये 5 महत्वपूर्ण सवाल पूछने के बाद आप उनसे बोलिए, अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब आपका यस में है तो आगे की बात आपके काम की होने वाली है। और फिर आप उसको बताइए कि हम जिस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं उसके 3 उद्देश्य हैं, इसका थोड़ा सा प्रिपरेशन कीजिए अपनी स्पीच को, और उनसे सवाल पूछे बार बार में, उसको इन्वॉल्व रखिए अपने प्रेजेंटेशन में, उससे सवाल पूछिए। अगर आपको मौका मिले जीवन में इन महान उद्देश्यों को, कौन से महान उद्देश्य? स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण, स्वावलंबन, अगर इन महान उद्देश्यों में को पाने में योगदान देने का तो क्या आप योगदान देना पसंद करेंगे? yes. तो आप क्या रहेगा साहब? yes. ज्यादातर लोगों में यस रहेगा, सभी का नहीं रहेगा। अगर वो यस कहता है फिर आप उसको बताइए कि आपसे बिजनेस क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेस से डायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर है, अगर हमें क्या करना है यहाँ पर, और अगर आप चेंज करते हैं अपना मार्केटिंग पैटर्न तो इससे क्या नुकसान है, मार्केट से लेंगे तो क्या नुकसान है, आरसीएम से लेंगे तो क्या फायदे हैं, और जब आप आरसीएम मार्केट का छोड़ के आरसीएम से लेना शुरू करते हैं तो आप कस्टमर से बन जाते हैं पार्टनर, और पार्टनर वो व्यक्ति होता है जो किसी भी कंपनी के टर्नओवर का भागीदार होता है, किसी भी इंडस्ट्री के टर्नओवर का भागीदार होता है। और जैसे ही आप पार्टनर की बात करते हैं तो फिर आप इंडस्ट्री का डाटा बताइए कितना बड़ा इंडस्ट्री
इंडस्ट्री कितना बड़ा धंधा, कितना बड़ा अमाउंट हम यहाँ से अर्जित कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा बता के आप